जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एकेडमी पे। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो है बीएसएफ की कट ऑफ के बारे में कि आपकी बीएसएफ की जो कट ऑफ है कि कौन से स्टेट से बीएसएफ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, कौन से स्टेट से कितनी जाती है, हर एक स्टेट के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएसएफ की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, यानी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या रहने वाला है, कौन से स्टेट में बीएसएफ की जो फर्स्ट चॉइस जिन बच्चों ने दी है उनको सबसे ज्यादा मार्क लाना है, और कौन से स्टेट में बीएसएफ की जो कट ऑफ रहती है वो बहुत ही कम रहती है। तो लाड लो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार जो बीएसएफ की कट ऑफ है, आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ की इस बार वैकेंसी नहीं आई है, यानी सीआरपीएफ के पदों की संख्या कितनी है, जीरो है, इसलिए बीएसएफ की कट ऑफ इस बार हाई रह सकती है कौन कौन से स्टेट में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की तो आपके लिए बहुत ही शानदार बुक है, एग्जाम कार्ड की ये बुक है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए स्टडी गाइड, स्टडी गाइड का मतलब ये होता है कि इसमें पूरा के पूरे सब्जेक्ट, सारे के सारे जो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यानी अलग से पूरा डिटेल में, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का भी संग्रहण है, ये न्यू सिलेबस पे आधारित है, ठीक है, न्यू सिलेबस पे ये बुक आधारित है पूरा का पूरा। अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत तगड़ी, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अगर आप एसएससी जीडी इस बार पहली बार कर रहे हैं तो ये बहुत ही तगड़ी बुक है आपके लिए। आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे अमेजन पे, इसकी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है बुक, क्योंकि बहुत ही लाजवाब बुक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएसएफ से कौन कौन से स्टेट की जो मेरिट है इस बार सबसे हाईएस्ट रहने वाली है। देखिए कुछ स्टेट के मैं पहले नाम ले बता रहा हूँ, इन स्टेट में बीएसएफ की जो मेरिट है वो काफी हाई रहने वाली है, कौन कौन से चेक करिए, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, J&K, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, J&K, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये जो स्टेट है इन स्टेट में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो मेरिट रहने वाले हो बीएसएफ के सबसे टॉप मेरिट रहने वाले, उसके पीछे एक रीजन भी, रीजन क्या है पहले वो समझ लीजिए कि इन स्टेट में बीएसएफ की मेरिट इतनी हाई क्यों जाती है। पिछले कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, बीएसएफ की मेरिट इन स्टेट में हमेशा बहुत ही जबरदस्त रही है, सीआईएसएफ के लगभग लगभग नजदीक रही है, और इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं होने के कारण कुछ ऐसे स्टेट है जो इस बार इस आंकड़े में जुड़ गए। आपको मैं बताऊं यहाँ पर एक रीजन है, रीजन क्या है कि बॉर्डर सिक्योरिटी यानी बीएसएफ के बारे में यहाँ पे हर एक बच्चे को, छोटे से 5 साल के बच्चे को भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से बता देगा कि बीएसएफ पोस्ट कैसी है, इसका क्या काम है, ठीक है। इनमें से जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब में बाघा बॉर्डर, ठीक है, और राजस्थान है, इसके अलावा आप हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और J&K और यूपी, इन स्टेट में तो 100% फर्स्ट चॉइस बहुत सारे बच्चों की बीएसएफ ही होती है, लड़कों की ज्यादातर फर्स्ट चॉइस इन स्टेट में बीएसएफ होगी, 100% है। सीआईएसएफ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर बीएसएफ को चुनते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि उनको बहुत ही पसंद आती है वर्दी, एक तो बीएसएफ की, दूसरा बीएसएफ के बारे में ये बहुत ही अच्छे से जानकारी रखते हैं कि बीएसएफ क्या ड्यूटी करती है, किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, और बीएसएफ को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इन स्टेट्स में, ठीक है। इन स्टेट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फोर्स कौन सी है, बीएसएफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएसएफ की इस बार जो मेरिट है वो कम कौन कौन से स्टेट में जा सकती है, उनकी लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन कौन से स्टेट है जहां पर बीएसएफ की मेरिट सबसे कम रह सकती है, ठीक है। असम, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम,
असम, मणिपुर, मेघालय, बंगाल, गुजरात, गुजरात के ऊपर बिंदी क्योंकि उसके बारे में बताऊंगा, गुजरात, असम, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, हाँ अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा असम, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है इनमें बीएसएफ की मेरिट कम रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि इन स्टेट में कौन कौन सी फोर्स की मेरिट सबसे हाई जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कौन कौन सी फोर्स है जो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फोर्स कौन सी है, वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। साथ ही एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कमांडो फाउंडेशन एक बैच है जो मात्र 150 रुपये में है, ठीक है। ऑल इन वन बैच है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड पूरा का पूरा कोर्स 150 रुपये में मिल जाएगा कमांडो फाउंडेशन एसएससी जीडी का। अगर आप बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो ऑल इन वन कोर्स है जो 600 रुपये में, और जो अब लाइव कोर्स लक्ष्य कोर्स शुरू होने वाला है कल से, उसकी मात्र प्राइस है 299। आप ये परचेज कर सकते हो कहाँ से, कमांडो अकेडमी की एप्लीकेशन से प्ले स्टोर पर जाके। दूसरा कि हमारे जो साइंस की, हिंदी की, हर एक साइंस के हर एक चैप्टर की, जीव विज्ञान की, सभी विज्ञानों की जो बुक है वो आ चुकी है, उनके शानदार नोट्स तैयार किए हुए, मतलब कि क्वेश्चन वस्तु नोट बहुत ही ज़बरदस्त, और मात्र आप मात्र नाम मात्र के शुल्क में आपको अवेलेबल हो जाएगी कमांडो अकेडमी की एप्लीकेशन पे, जो कि आप डाउनलोड करके जाके देख सकते हो लाड लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर असम राइफल में इनमें मेरिट कम क्यों रहती है, मैं आपको बताऊँ, असम राइफल, मणिपुर और मेघालय इन तीनों जगह AR यानी असम राइफल की मेरिट सबसे ऊपर रहती है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं, असम राइफल को पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर CISF को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसको, CISF को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इन दो स्टेट में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें हमेशा CRPF फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग CRPF फर्स्ट चॉइस देते हैं, लेकिन इस बार ये ज़्यादातर लोग CISF फर्स्ट चॉइस देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़, जैसे राउरकेला हो गया, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे CISF के जवानों की लगातार ड्यूटी रहती है लाडलो, तो इसलिए यहाँ की फर्स्ट चॉइस BSF बहुत कम होती है। अब मैं आपको बताऊँ, बंगाल, गुजरात में ऐसा हो सकता है कि BSF की फर्स्ट चॉइस दी जाती है, ठीक है, और BSF के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट चॉइस दी जाती है लाडलो वो कौन सी है, CISF, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मेरिट कम रहती है। बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, बंगाल में BSF बहुत ही कम लोग फर्स्ट चॉइस देते हैं BSF होने पर, ज़्यादातर ये CRPF को पसंद करते हैं, ठीक है। अगर CRPF इस बार नहीं है बंगाल से, इस बार CRPF आपको पता कि CRPF इस बार वैकेंसी बिल्कुल जीरो है, तो इस बार इन लोगों की पसंद थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि हर बार तो ये CRPF को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पर CRPF के जवानों की कंटिन्यू ड्यूटी रहती है, इसी वजह से इन स्टेट में क्या है BSF की मेरिट है वो लो रहने वाली है। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एक और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मिजोरम, यहाँ पर ज़्यादातर असम राइफल को पसंद किया जाता है, असम राइफल में जाना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये CRPF को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बार CRPF की पोस्ट नहीं, तो ये CISF को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसकी गारंटी है, ज़्यादातर लोग ये CISF को ही जाएंगे। अब आप बोलोगे कि जो भारत नेपाल के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं ये फर्स्ट देंगे किसको, किसको फर्स्ट चॉइस देंगे, SSB को, क्योंकि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे कौन रहता है, SSB रहती है, इसीलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग किसको फर्स्ट चॉइस देंगे लाडलो, SSB को फर्स्ट चॉइस देंगे, किसको देंगे, SSB को फर्स्ट चॉइस देंगे। तो इसलिए अगर आपने यहाँ की, इनमें से जो जो मैंने स्टेट के नाम लिए, कुछ स्टेट अभी भी रह गए हैं, वहाँ पर कॉमन सा फैक्टर होता है कि कोई निश्चित नहीं है, इसलिए जिन स्टेट से जो बच्चे हैं आप देख लीजिए। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए हमको सेंड, अगला वीडियो उसके आधार पे बन जाएगा लाडलो। जय हिंद, जय भारत।